आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आज मेरे बच्चे को आज जाना है मेरे बेटे को बर्थडे पार्टी में शाम को। तो आप शाम को इस ड्रेस लेगा मेरा, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या कौन से कपड़े पहनने हैं। तो उसको ये ज़्यादा देर ना लगे डिसाइड करने में, इसके लिए मैंने पहले ही अरेंज कर दिया है उसके अलमारी को। तो देखिए, मैंने उसके ये अंडरगारमेंट्स, बनियान, अंडरवियर और हैंकी वगैरह एक साइड रख दिया है आज इस अलमारी को। मैं कुछ, क्योंकि आने वाली हैं अब गर्मियाँ, तो मैंने इसके कुछ कपड़े अंदर रख दिए हैं और मैंने यहाँ सेलेक्टेड कपड़े ही मैंने इसके रखे हैं जो ये बर्थडे पार्टी में पहन सकता है। तो मैंने इस तरह से सेट बना के रख दिए हैं, ये टी शर्ट और जीन्स इस तरह से, और वो उसको जो पहनना होगा वो ईजीली पहन सकता है। ये डेली वेयर लोअर वगैरह और टी शर्ट जो उसको कंफर्टेबल है वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, और उसकी जैकेट वगैरह और कैप ये मैंने पीछे रख दिया है, अगर नाइट में ज़्यादा ठंड होगी तो पहनेगा, नहीं तो फिर नहीं पहनेगा। और बाकी मैंने उसके एक्स्ट्रा जो बैग वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह सब नीचे हैं, और इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। अब उसको ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, ये जो इसके अंदर मैंने कुछ ग्लव्स और वूलन वाले एक्स्ट्रा कैप वगैरह सब रख दिए हैं, तो जिनकी ज़रूरत नहीं है। जो उसकी ज़रूरतें हैं जैसे डेली वेयर सॉक्स हैं वो सब मैंने बाहर इस तरह से अरेंज करके रख दिए हैं, और इस तरह बॉक्स में मैं उसके हैंकी, मास्क वगैरह सब इस तरह से रख देती हूँ, तो उसको कोई चीज़ भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ये होता है एक होम मेकर होने का फ़ायदा, होम मेकिंग का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है जिसको आप हर किसी को पता होना ही चाहिए। और अपने बच्चे की अलमारी को हमें इसी तरह से अरेंज करके रखें जिससे आपके बच्चे अपने कपड़े ढूंढने में चिड़चिड़े नहीं होंगे, उनकी मम्मा भी उनको सामान बताने में चिड़चिड़ी नहीं होंगी और अच्छे से कर पाएंगे। और इस तरफ मैंने इसकी दो शर्ट निकाल के रखी हैं, ये इसको मैं थोड़ा, वैसे तो ये प्रेस थी, न्यू शर्ट है, उसने एक बार भी नहीं पहनी है, तो ये मेरी चॉइस से मैंने उसके लिए सेलेक्ट किया है बर्थडे की ड्रेस। तो इसे थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी मैं, और एक ये इसकी डेनिम की शर्ट है ये भी मैं इसको प्रेस करने वाली हूँ। तो ये मैंने प्रेस करने के लिए कपड़े बाहर निकाल के रख लिए हैं, अभी उसके स्कूल से आने में टाइम है, तो तब तक मैं कुछ कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और फिर वो आ जाएगा, तो उसको मुझे लंच भी देना होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से आप भी अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं और घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे वॉश बेसिन पे क्रीम वगैरह ये सब मैं पहले ही अरेंज करके रख देती हूँ, जिससे वो मॉर्निंग में जब तैयार होता है स्कूल के लिए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस कि हर चीज़ आगे से आगे तैयार रखती हूँ, और अपने उसे पता है कि मेरी चीज़ें कहाँ हैं, तो वो वहाँ से उठाकर, और वो देखिए उसके सामने वो जो टेबल है, ये करती हूँ मैं, ये मेरे बेटे की स्टडी टेबल है। तो मैंने इसकी ये ट्यूशन का बैग यहाँ पे अरेंज करके रख दिया है, जो वो ट्यूशन के लिए जाता है, तो इसमें से अपनी नोटबुक की जो उससे फैला के गया था बेड के ऊपर, तो मैंने सब एक जगह कलेक्ट करके रहती है, जिसमें से उसे जो ट्यूशन के लिए ले जानी होती है नोटबुक, तो वो इसमें से खुद सेलेक्ट करेगा और बैग में रखेगा अपने आप। और मैंने उसके लिए वाटर बॉटल रख दी है, अगर वो यहाँ पढ़ाई करता है, ये मेरे बेटे का ही रूम है, स्टडी रूम है उसका। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इधर मैंने प्रेस वगैरह को रखा है, तो ये मैं प्रेस करने के लिए अभी कपड़े उसके प्रेस करके रख देती हूँ जिससे उसको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। और डाइनिंग टेबल को मैंने कर दिया है नीट एंड क्लीन इस तरह से। ये मेरा होम मैनेजमेंट का एक टिप्स है, जो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में हर हर महादेव या राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे बेटे का टाइम होने वाला है स्कूल से आने का, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।